ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। कल के क्लास में हमने देखा था कि इसके अंतर्गत जो है ट्रांजिस्टर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्रियाविधि कैसे होती है। तो हमने कल देखा था कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और परिपथ के जोड़ने के आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं, उभयनिष्ठ आधार परिपथ पहला है ना, दूसरा जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, और तीसरा हमने देखा था उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ, जिसमें से हमने उभयनिष्ठ आधार परिपथ और उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, है ना, कि पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर इन परिपथों में किस प्रकार से क्रियाविधि प्रदर्शित करती है। उसके उपरांत हमने इस बात का भी अध्ययन किया था कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो प्रवर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है, ठीक है। जो सिग्नल वीक होती है ना, कल हमने देखा था कि ये ट्रांजिस्टर जो होता है जब ये प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, तो यहाँ जो वीक सिग्नल होती है जिसके जो आयाम होते हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं। जब इनको हम ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में या प्रवर्धक में हम भेजते हैं तो ये जो सिग्नल होता है उसका आयाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये जो सिग्नल होता है वो कैसा हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में देखा था कि किस प्रकार जो है ट्रांजिस्टर जो है क्या करता है, प्रवर्धक के रूप में कार्य जो है करता है, ठीक है। आज हम इसके बारे में, इन विभिन्न बिंदुओं के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग, ठीक है, और दूसरा आधारभूत लॉजिक गेट्स जिसमें होते हैं और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग। ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग, तो ये दोलित्र क्या होता है, इसको हम ऑसिलेटर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटर, ठीक। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वह दोलित्र की भांति कैसे काम करता है, या दोलित्र क्या है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उच्च आवृत्ति की, उच्च आवृत्ति की स्थायी दोलन, कैसी दोलन, स्थायी दोलन, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उच्च आवृत्ति की स्थायी दोलन उत्पन्न करता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दोलित्र कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग, सबसे पहले हम दोलित्र के बारे में देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उच्च आवृत्ति की स्थायी दोलन, यहाँ पे इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि उच्च आवृत्ति, कैसी आवृत्ति होनी चाहिए उत्पन्न करता है, उच्च आवृत्ति की स्थायी दोलन जो है उत्पन्न करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हम क्या कहते हैं, दोलित्र अर्थात ऑसिलेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो दोलन कैसे उत्पन्न करता है ना, यहाँ पे ट्रांजिस्टर की क्या भूमिका होती है, या जो है स्थायी दोलन हमको कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत दोलन जो उत्पन्न होता है
वो किस प्रकार से विद्युत दोलन उत्पन्न होता है। इसके लिए क्या होता है कि इस प्रकार एक बैटरी होता है, बैटरी के दो सिरे होते हैं आपको मालूम है, एक धन सिरा और ऋण सिरा, है ना, ये बैटरी हो गया। और बैटरी में यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक कुंजी, कुंजी मतलब आपको मालूम है प्लग, है ना, ये K1। और यहाँ पे जो होता है धारिता, ठीक है, धारिता को इस प्रकार से दिखाते हैं, संधारित्र को, है ना, K2। और यहाँ पे जो होता है एक कुंडली लगा होता है। इस प्रकार के जो एक टैंक होता है, यहाँ पर विद्युत दोलनें उत्पन्न की जाती है। इस टैंक में क्या किया जाता है, विद्युत दोलनें उत्पन्न की जाती है, जिसमें क्या लगा होता है, एक बैटरी लगा होता है, एक कुंजी लगा होता है और एक संधारित्र सी लगा होता है और उसके समानांतर क्रम में इधर एक कुंडली लगा होता है, ठीक है। अब इसकी जो क्रियाविधि होती है, इस टैंक से हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत दोलन, ठीक है, विद्युत दोलन जो है हम इससे उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बैटरी का संपर्क, है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बैटरी का संपर्क इस कुंजी को हम जब इससे ऐसे जोड़ दें, K1 को क्या कर देते हैं, जब हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में बैटरी का संपर्क किससे हो जाता है, संधारित्र से। हमने कौन सा कुंजी को लगाया, कुंजी K1 को। जैसे ही हम इस परिपथ से जोड़ देते हैं, वैसे ही बैटरी का संपर्क किससे हो जाता है, बैटरी का संपर्क इस संधारित्र से हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही इससे इस संधारित्र से इसका संपर्क होता है, वैसे ही यहाँ इस संधारित्र में आवेश क्या होने लगते हैं, आने लगते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। जैसे ही बैटरी का संपर्क किससे होता है, संधारित्र से, वैसे ही यहाँ जो है आवेश जो है कहाँ आने लगते हैं, संधारित्र में आने लगते हैं। और एक क्षण ऐसा आता है कि ये संधारित्र पूर्णतः कैसे हो जाता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है। संधारित्र कैसा हो जाता है, पूर्णतः आवेशित, यानी इसको पूर्णतः क्या मिल जाता है, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। और इस समय विद्युत ऊर्जा कैसा होता है, अधिकतम होता है, जब संधारित्र कैसा होता है, पूर्णतः आवेशित हो जाता है, ठीक है। जब ये जो संधारित्र है पूर्णतः आवेशित हो जाता है, तो हम इस प्लग को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, संपर्क हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि ये संधारित्र कैसी हो चुकी है, अब पूर्णतः आवेशित हो चुकी है, ठीक है ना। इस क्षण जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाती है, तब कुंजी K2 को हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं, जिससे संधारित्र किससे किसके संपर्क में आ जाता है, इस कुंडली के संपर्क में आ जाता है, ठीक है ना। अब जब ये संधारित्र जो है इस कुंडली के संपर्क में आ जाता है, तो इसके जो आवेश होते हैं कहाँ की ओर चलने लगते हैं, कुंडली की ओर चलने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार आवेश जो है यहाँ कर क्या होने लगता है, विसर्जित होने लगता है। इसका आवेश कहाँ क्या होने लगता है, विसर्जित होने लगता है। और आपको मालूम है कि जब कुंडली में आवेश बहते हैं, तो क्या बहने लगता है, यहाँ पे धारा, क्या बहने लगता है, धारा, ठीक है। और जब धारा बहता है, तो ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में बताया कि यदि किसी कुंडली में धारा बह रही है, तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ठीक है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जो विद्युत ऊर्जा है, वो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऊर्जा हो गया, चुंबकीय ऊर्जा में बदलने लगता है, स्पष्ट है बात, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ही हम कुंजी K2 को जोड़ते हैं, वैसे ही संधारित्र के जो आवेश हैं वो कुंडली में चलने लगते हैं, और कुंडली में धारा बहने के कारण से वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होने लगता है, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। विद्युत ऊर्जा किस में बदलता है, चुंबकीय ऊर्जा में बदलने लगता है। ये क्रिया निरंतर तब तक चलते रहती है जब तक इस जो संधारित्र है उसमें पूर्णतः ये खाली ना हो जाए, ठीक है। ये संधारित्र पूर्णतः खाली ना हो जाए, तब तक ये क्रिया जो है चलते रहती है, समझ आ रहा है।
जब ये पूर्णता खाली हो जाता है उस समय चुंबकीय ऊर्जा का मान कैसा हो जाता है? चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो जाता है, ठीक है जी, है ना। जिस समय पूरा संधारित्र खाली हो जाता है उस समय पूरी विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई? चुंबकीय ऊर्जा में बदल गई, और चुंबकीय ऊर्जा का मान उस समय कैसा हो जाता है? अधिकतम हो जाता है, ठीक। अब जब ये संधारित्र पूर्णतः खाली हो गया तो इसमें धारा बहेगा क्या? नहीं बहेगा, निश्चित रूप से इसमें धारा बहना बंद हो जाएगा। अब जब धारा बहना बंद हो जाता है तो इस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई है उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है, कमी आने लगता है, है ना। और इस स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स में जो कमी आता है इसके कारण से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो इस संधारित्र को फिर से क्या करने लगती है? आवेशित करने लगती है, ठीक है। समझ आ रहे ना? क्या बताई मैं कि जब पहले हमने देखा कि ये विद्युत ऊर्जा पूर्णता किसमें बदल गया? चुंबकीय ऊर्जा में, ठीक है। अब जब ये पूर्णता जो है चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाता है तो उस क्षण जो है धारा आना बंद हो जाता है। धारा आना जैसे ही बंद होता है चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आती है और यहाँ से फिर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो क्या करता है? संधारित्र को पुनः आवेशित करता है। और पुनः आवेशित कैसे करेगा? विपरीत दिशा में। यदि यहाँ पे प्लस आवेश था और यहाँ पे माइनस आवेश था, ठीक है, तो वो कैसा कर देगा? उसको विपरीत कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इस सिरा में प्लस आवेश था, ठीक है, और इस सिरा में क्या? माइनस आवेश, ठीक है। उसको क्या कर देगा? पलट देगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्रिया जो होती है, यहाँ पे देखें कि चुंबकीय ऊर्जा जो है अब किसमें बदल रही है? विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, ठीक है ना। पहले विद्युत ऊर्जा किसमें बदला? चुंबकीय ऊर्जा में। और उसके बाद जब चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो जाता है वो पुनः जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने लगता है, ठीक। और एक क्षण ऐसा प्राप्त होगा कि पूर्णता जो है संधारित्र फिर से वो क्या होने लगेगा? आवेशित होने लगेगा, और उस समय चुंबकीय ऊर्जा का मान जीरो हो जाएगा और विद्युत ऊर्जा कैसा हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो एक क्षण कैसा मिलता है? एक क्षण आपने देखा कि विद्युत ऊर्जा का मान कैसा होता है? अधिकतम। शुरू में आपने देखा कि विद्युत ऊर्जा का मान कैसा रहता है? अधिकतम। उस समय चुंबकीय ऊर्जा का मान कैसा रहता है? चुंबकीय ऊर्जा उस समय कैसा रहता है? शून्य, ठीक है। और एक क्षण हमें ऐसा प्राप्त होता है कि चुंबकीय ऊर्जा जब कैसा हो जाता है? अधिकतम, तो विद्युत ऊर्जा कैसा होता है उस क्षण? विद्युत ऊर्जा जो है शून्य हो जाता है, ठीक है। ये क्रिया लगातार चलते रहती है। एक क्षण विद्युत ऊर्जा का मान अधिकतम होता है तो उस समय चुंबकीय ऊर्जा शून्य, और जब चुंबकीय ऊर्जा जो है अधिकतम होता है तो विद्युत ऊर्जा शून्य हो जाता है। और ये क्रिया लगातार चलते रहती है जिसके कारण से एक दोलन प्राप्त होता है, इसको विद्युत दोलन कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? ये दोलन हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, समझ आया? ठीक है, इस प्रकार से ये विद्युत दोलन हमको प्राप्त होता है, ठीक। एक बार फिर से देखें इसको। जैसे ही हम कुंजी K1 को क्या करते हैं? संपर्क में लाते हैं, ये संधारित्र कैसे हो जाती है? आवेशित हो जाती है। जब ये पूर्णता आवेशित होती है तब हम इसको ओपन करते हैं और इसको क्या कर देते हैं? हाँ, लगा देते हैं, है ना, सर्किट में। तो उस समय संधारित्र और कुंडली जो है संपर्क में आ जाते हैं। चूँकि ये पूर्णता आवेशित है इसके आवेश यहाँ विसर्जित होने लगते हैं, ठीक। जब आवेश यहाँ विसर्जित होने लगते हैं तो धारा बहने लगती है। धारा बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी जो है चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा में बदलने लगता है। जब यह विद्युत ऊर्जा पूर्णतः चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाता है उस स्थिति में जो है धारा बहना बंद हो जाता है, तब इसके चुंबकीय फ्लक्स में कमी आती है और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो संधारित्र को पुनः आवेशित करना शुरू कर देता है। उस क्षण चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने लगती है, ठीक है। और ये क्रिया लगातार इस टैंक में चलती रहती है जिसके कारण से क्या उत्पन्न होता है? हाँ बताइए। वेरी गुड, विद्युत दोलन, ठीक है। क्या उत्पन्न हो जाता है?
विद्युत दोलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ये विद्युत दोलन हमको स्थायी रूप से प्राप्त हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि आप देखते हैं कि परिपथ में संधारित्र लगा होता है, कुंडली लगी होती है, और परिपथ में सदैव जो है जहाँ आपकी धारिता लगी है, कुंडली लगी है, वहाँ प्रतिरोध का मान होता है, प्रतिरोध होता है ना। और जहाँ प्रतिरोध होता है वहाँ पे ऊर्जा में क्या आती है, ऊर्जा में ह्रास होता है, ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होने लगता है, जिसके कारण से ये जो दोलन है हमको स्थायी रूप से ना प्राप्त होकर धीरे धीरे इसके आयाम कैसे होने लगते हैं, कैसे होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, एक क्षण में, एक क्षण जाकर ये शून्य हो जाएंगे। तो ये हमको स्थायी दोलन प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस परिपथ में क्या है, प्रतिरोध है। इस परिपथ में क्या है, प्रतिरोध है, जो उस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को धीरे धीरे क्या करता है, कम करते जाता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को क्षति करने लगता है, जिसके कारण से ये जो दोलन हमको प्राप्त होते हैं उसके आयाम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और एक स्थिति ऐसा आता है कि वो शून्य हो जाता है। यदि हम जो ये आयाम कम होते जा रहे हैं या जो ये क्षति हो रहा है इसकी पूर्ति कहीं और से कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो सकता है, स्थायी दोलन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो सकता है, स्थायी दोलन प्राप्त हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके यही जो ऊर्जा में क्षति होने वाली जो दोलन है ना, जो ऊर्जा का क्षति हो रहा है जिसके कारण से हमारे दोलन जो है एक समय में नष्ट हो जा रहा है या उसके आयाम जो है कम हो जा रहे हैं, उसकी पूर्ति हो जाती है। अब देखिए इस टैंक को हम कहाँ पे लगाएंगे, इसी टैंक को हम इस टैंक में जो है एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं जो इस क्षति की पूर्ति करता है। ठीक है, स्पष्ट है, आगे देखिए। ये वह टैंक है जिसमें आपको मालूम है कि ये जो है टैंक में क्या बताए थे, संधारित्र बताए थे, ये संधारित्र है उसी टैंक के, है ना, ये टैंक जो भी अपन लिए थे जिसमें क्या उत्पन्न किया जाता है, विद्युत दोलन उत्पन्न किया जाता है, ये वो टैंक है। ठीक है, सी, और ये जो आपका क्या है, कुंडली L1 इस टैंक में लगा हुआ है। ठीक, इसको कैसे जोड़ा गया था, यहाँ पे एक कुंजी है ना, और बैटरी के सिरे से जोड़ा गया था, आपने देखा था किससे जोड़े थे इसको, टैंक को बैटरी से जोड़े थे, ये बैटरी हो गया, बैटरी का धन सिरा, ये ऋण सिरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जहाँ पे आपका इस टैंक के अंदर जो कुंडली है उसके निकट इस तरीके से एक दूसरी कुंडली बनाते हैं या दूसरी कुंडली बना होता है L2। ठीक है, टैंक का ये वाला जो सिरा होता है, ठीक है, ये टैंक हो गया। अब इसका जो निचला जो सिरा होता है वो कैसा होता है, किससे जुड़ा होता है, इस प्रकार एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा होता है। ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा है NPN, ट्रांजिस्टर पढ़े ना, NPN इस प्रकार का एक ट्रांजिस्टर होता है जिसमें ये वाला पार्ट जो होता है कलेक्टर, ये पार्ट बेस, और ये पार्ट जो है क्या कहलाता है, एमीटर। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। ठीक, इसका जो इस कुंडली का जो निचला सिरा होता है ये ऐसे बेस से कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, बेस से कनेक्ट होता है। ग्राफ स्पष्ट है, और ये जो सिरा होता है इससे इस प्रकार से ये जुड़ा होता है, यानी कुंडली का निचला जो सिरा होता है वो बेस से जुड़ा होता है, और कुंडली का जो ऊपर का सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है, एमीटर से जुड़ा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक और तीसरा कुंडली ले लेते हैं जिसको कहते हैं L3। ठीक है, तो इस जो टैंक जहाँ पे हम विद्युत दोलन
प्राप्त करते हैं, है ना। इस टैंक को हमने किस में जो है जोड़ दिया, ट्रांजिस्टर में जोड़ दिया। कौन से ट्रांजिस्टर? NPN ट्रांजिस्टर में हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसमें आपको बताया कि ये जो सिरा होता है टैंक का वो कलेक्टर से जुड़ा होता है, ठीक है। और बेस जो होता है, बेस जो होता है ये इस प्रकार से L2 वाली कुंडली से जुड़ा होता है, उसके निचले सिरे से। और ऊपर का जो सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है? एमीटर से जुड़ा होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि इस टैंक में जैसे ही कुंजी को जोड़ा जाता है, अच्छा, इसका निचला सिरा इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक। जैसे ही इस चोक को या जो प्लग है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं परिपथ में, वैसे ही इस टैंक में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत दोलन, ठीक है। स्पष्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इस टैंक में क्या उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार से विद्युत दोलन उत्पन्न हो जाता है, ठीक। ये जो दोलन होता है, क्योंकि इस कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, इस टैंक में उत्पन्न हो रहा है, इसके निकट कौन सा कुंडली लगा हुआ है? L2, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यदि एक कुंडली के पास कोई दूसरा कुंडली है तो प्रेरण स्वरूप वहाँ भी वही दोलन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोलन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वही दोलन कहाँ उत्पन्न हो जाएगा? उसके निकटतम जो कुंडली है L2, इसमें भी वही दोलन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और चूंकि L2 जो है बेस और एमिटर के बीच लगा हुआ है, इसलिए ये दोलन कहाँ पे जाता है? इस ट्रांजिस्टर परिपथ में जाता है। जो दोलन आपका L2 में प्राप्त हो रहा है या प्रेरित हो रहा है, वो दोलन कहाँ पे जाता है? ट्रांजिस्टर में जाता है। और ट्रांजिस्टर इसको और प्रवर्धित कर देता है, क्या कर देता है? और प्रवर्धित कर देता है। और उसके बाद ये कलेक्टर के माध्यम से इस टैंक को पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। समझ आया, है ना। ये जो यहाँ से जो दोलन उत्पन्न हुआ था, इसके कारण यहाँ दोलन उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, और ये ट्रांजिस्टर में जाता है, और ट्रांजिस्टर जो होता है उसको और प्रवर्धित करके इसको पुनः दे देता है, जिससे इसके जो आयाम खत्म होने वाले होते हैं, ये जब यहाँ से इसको प्राप्त होता है, वो उसके आयाम को क्या कर देता है? ख़त्म होने नहीं देता। और इस प्रकार से स्थायी दोलन हमको प्राप्त होते हैं, वो चलते रहता है, ठीक है, जिसको हम L3 वाली कुंडली में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये जो है हमको स्थायी दोलन प्राप्त होता है, ठीक है। ये समझ आ गया, स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार ये ऑसिलेटर का कार्य होता है। अब जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? हम दैनिक जीवन में जो मोबाइल फोन जो यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं, इसमें जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है, ठीक है। संचार की दृष्टि से ऑसिलेटर या दोलित से जो विद्युत दोलनें प्राप्त होती हैं, उन दोलनों को का जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। अब इनका उपयोग देखिए कि हम इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। उपयोग, पहला जो इनका उपयोग होता है, ये वाहक तरंग के रूप में होता है। कौन सी तरंग के रूप में? वाहक तरंग। क्योंकि हम दोलित्र की सहायता से, दोलित्र की सहायता से क्या करते हैं? हम उच्च आवृत्ति की स्थायी दोलनें प्राप्त करते हैं। अच्छा, जो हमने दोलित्र देखा उसमें यदि हमको आवृत्ति का मान ज्ञात करना हुआ, तो हम इस समीकरण का उपयोग करते हैं, F=1/2π√LC, ठीक है, जहाँ पे L जो होता है जो कुंडली का प्रेरकत्व होता है, C जो संधारित्र की धारिता, 2π एक कांस्टेंट मान होता है, और F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो F है वह फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, हम किस आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी या जो आवृत्ति वहाँ उत्पन्न करना चाहते हैं, है ना, उसके लिए ये सूत्र है कि F=2 क्या होता है? 1/2π√L(C), ठीक। अब इनका जो हम उपयोग जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है वाहक तरंग के रूप में इसका संचार में बहुत अधिक उपयोग होता है। वाहक तरंग जो होते हैं
उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे होते हैं। वाहक तरंगे क्या होती हैं? उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे होते हैं, जिन्हें हम कहाँ से उत्पन्न करते हैं? अभी हमने देखा कहाँ से उत्पन्न करते हैं, ऑसिलेटर से। कहाँ से उत्पन्न करते हैं? ऑसिलेटर से या दोलित्र से, ठीक है। वाहक तरंगे जो होती हैं वो उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे होती हैं, जिनको हम दोलित्र के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। अब ये वाहक तरंग जो होते हैं ये कहाँ उपयोग होते हैं? हमारे जो संचार में। वाहक तरंग कहाँ उत्पन्न होते हैं? संचार में। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये ज्ञात है कि ये जो है कौन सा उपकरण है? मोबाइल, ठीक है ना। इसके बारे में आपको ज्ञात है ये क्या चीज़ है? मोबाइल है। मोबाइल का ये वाला भाग जहाँ पे हम अपने बात करने के लिए इस प्रकार से कानों में लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है, निचला भाग जिससे हम बातें करते हैं, यहाँ पे क्या लगा रहता है? माइक्रोफोन लगा रहता है, ठीक है। और ये ऊपर का भाग जहाँ पे हम अपने कान को लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगा रहता है? लाउड स्पीकर लगा होता है, ठीक है। निचले वाले भाग जहाँ पे हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, या हम अपने संदेश को पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पे क्या लगा होता है? माइक्रोफोन लगा होता है। और जिससे हम सुनते हैं, है ना, मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर से हम अपने कान को लगाते हैं, वह उस क्षेत्र में क्या होता है? लाउड स्पीकर लगा होता है, ठीक है। अब इनकी जो कार्य होती है वो कैसे होता है? तो ये आप हो गए, ठीक है, आपका ये मोबाइल फोन है ना। इसका जो नीचे वाला भाग आपको भी बताया, यहाँ पे क्या लगाता है? होता है माइक्रोफोन। क्या लगा होता है? माइक्रोफोन। इसका यदि हम चित्र देखें तो ये हो गया मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल ले लेते हैं, है ना। और मोबाइल में क्या लगा रहता है बताया भी? माइक्रोफोन। अब ये माइक्रोफोन क्यों लगा होता है? क्योंकि माइक्रो जो फोन होता है, जो हम बोलते हैं, ये कौन सी ऊर्जा है जो हम बोल रहे हैं? वो कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा, है ना। इस ध्वनि ऊर्जा को वह किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि जो संतरंग है वो आपके ध्वनि ऊर्जा के रूप में नहीं जा सकता, ठीक है, है ना। यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ध्वनि को भेजना चाहें, जैसे आप कांके से किसी दिल्ली में रहने वाले आपके मित्र को फ़ोन लगाते हैं, तो यदि आप अपने आवाज़ को उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वह आवाज़ उसी रूप में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। निश्चित रूप से उसको जाने के लिए सबसे पहले जो हमारी ध्वनि ऊर्जा है वो किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये माइक्रोफोन जो लगा होता है, ये ऐसा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, स्पष्ट है। तो यहाँ पे जो आपका जो सेल फोन होता है, अभी जो हमने देखा ये सेल फोन होता है, उसके निचले वाला जो सिरा होता है, इसमें माइक्रोफोन लगा होता है। ये माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अब ये जो है, जो सिग्नल जो प्राप्त होती है, ये जाता है, ये जो सिग्नल होती है, अब जो बदल चुका, परिवर्तित हो चुका, ध्वनि ऊर्जा से किस में बदल गया? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, इसको विद्युत ऊर्जा के रूप में देखें इस प्रकार से, ठीक है। इसको, ये जो विद्युत ऊर्जा होता है, इसको श्रव्य आवृत्ति की तरंगे भी कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं? श्रव्य आवृत्ति। श्रव्य मतलब होता है सुन सकने वाली आवृत्ति की तरंगे होती है, ठीक है, लेकिन ये विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है, ठीक। चूंकि ये बहुत वीक होती हैं, बहुत कमजोर होती हैं, ठीक है, इसलिए ये एक स्थान से आपके मित्र, जो आपका दिल्ली में मित्र है, इसके पास नहीं जा सकता, ठीक है। इसको जाने के लिए एक ऐसी तरंग वाली आवृत्ति की आवश्यकता है जो इसको क्या कर सके? उस लंबी दूरी में ले जा सके। इसके लिए इस श्रव्य आवृत्ति की तरंग पर जो हमने ऑसिलेटर से वाहक तरंग उत्पन्न किया है, उसको क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? अधिरूपित कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रेडियो आवृत्ति की तरंगे होती है, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकती है। क्लियर है, स्पष्ट है। हमने यहाँ क्या किया? जो वीक सिग्नल है, श्रव्य आवृत्ति के जो सिग्नल है,
है ना, उस पर हमने क्या किया, ऑसिलेटर से उत्पन्न जो रेडियो आवृत्ति की तरंग है उसको हमने क्या कर दिया, अधिरूपित करा दिया। ठीक, अब ये जो तरंग है यहाँ पे एक और प्रवर्धक लगा होता है, प्रवर्धक मतलब आपको मालूम है कि इसकी क्षमता को और बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें जाकर क्या हो जाता है, इसकी क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद आपके पास वाले एंटीना या जो टावर होता है इसमें ये तरंग जाती है। ठीक है, है ना, और जहाँ हम इस संदेश को भेजना चाह रहे हैं वहाँ पे भी इस प्रकार से जो टावर या एंटीना लगा होता है वो उसको क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये एंटीना में क्यों जाती है, ताकि एंटीना उसको क्या करे, प्रसारित करे, फैला दे। ठीक है, और इस तरीके से यह जो है उस क्षेत्र के एंटीना में जाती है जहाँ पे आपका मित्र है। ठीक है, और वो उसको क्या करता है, इसको रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद यहाँ पे एक क्या लगा होता है, प्रवर्धक, जो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि ये दूर स्थान से चल के आ रहा है, इसकी क्षमता कैसी हो गई है, कम हो जाती है, इसको बढ़ा देता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक उपकरण जो लगा होता है, जो चूँकि हम ये अधिरोपित विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले जो अधिरोपित तरंगे हैं इसको हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमको कैसे सुनना है, किस आवृत्ति की तरंगे हमको सुनाई देती है, श्रव्य आवृत्ति की तरंगे ही सुनाई देती है। और इसमें क्या अधिरोपित है, वाहक तरंगे, क्या अधिरोपित है, वाहक तरंगे अधिरोपित है ना, इसलिए इसको हम नहीं सुन सकते, तो क्या करने की जरूरत है, उसको हटाने की आवश्यकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है ये वाहक तरंगों को क्या कर देता है, वाहक तरंग को अलग कर देता है और श्रव्य तरंग को अलग कर देता है, क्योंकि हमको श्रव्य आवृत्ति की तरंग हमको चाहिए, जो सूचना हमने यहाँ से भेजा है वही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अलग कर देता है और ये जो श्रव्य तरंग होता है इसको पुनः हम प्रवर्धक में ले जा करके थोड़ा और प्रवर्धित कर देते हैं, और यहाँ पे है ना क्या लगा होता है, लाउड स्पीकर, क्या लगा होता है, लाउड स्पीकर। इसको जब प्राप्त होता है ये श्रव्य तरंगे, चूंकि ये विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है, इसको हम सुन सकते हैं क्या, नहीं सुन सकते, उसको पुनः विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, किसमें बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को पुनः जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। कौन सा उपकरण बताइए, लाउड स्पीकर, वेरी गुड, है ना, तो लाउड स्पीकर जो है क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि जो दोलित्र होती है उससे उत्पन्न जो उच्च आवृत्ति की, रेडियो आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं उसका उपयोग हमने क्या देखा, यहाँ देखा कि जो श्रव्य आवृत्ति की तरंगे होती हैं उस पर अधिरोपित होकर उसको दूर स्थानों तक ले जाती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इस श्रव्य आवृत्ति की तरंगे जो सूचना हम अपने मित्र को देना चाहते हैं उसको दूर ले जाने का काम किसका है, दूर स्थान तक ले जाने का काम वाहक तरंगों का होता है। ठीक है, जैसे आपको कांकेर से रायपुर जाना है, ठीक है, और जल्दी जाना है, तो आप क्या करते हैं, किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं, जैसे बस। ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति है जिसे कहाँ जाना है, कांकेर से रायपुर जाना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, बस में बैठता है, कहाँ बैठता है, बस में, बस एक माध्यम होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। अब ये रायपुर में जैसे ही पहुँचता है ये व्यक्ति क्या करेगा, बस में ही बैठे अपने सारे काम कर सकता है क्या, उसको उतरने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही काम जो है वाहक तरंग करता है, जो श्रव्य आवृत्ति की तरंगे होती हैं उसको ले जाने का काम करता है। ठीक है, इस पर वाहक तरंगे अधिरूपित करके हम क्या करते हैं, दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, और चूंकि हम उस जो वाहक तरंग इसमें अधिरूपित है उसको हम नहीं सुन सकते, उससे क्या करना पड़ता है, हमको पुनः उसको हटा करके श्रव्य आवृत्ति की तरंगे प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार जो संचार जो सिस्टम है ये कार्य करती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है ना, ये तो पहला इसका उपयोग हो गया, किसका, दोलित्र से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं, है ना, उसका ये पहला उपयोग, जो कि संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
ये जो तरंगे होती हैं ये उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं जिसे हम वाहक तरंग कहते हैं, और इनको अधिरोपित करके हम क्या करते हैं, अपनी मूल सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऑसिलेटर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है संचार की दृष्टि से। ठीक, अब जो है दूसरा आप जो है इसका उपयोग देखें। ठीक, दूसरा जो उपयोग होता है वो होता है, आप आज जो है टीवी जो कार्यक्रम देखते हैं उसमें आप विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले समय में केवल दूरदर्शन जो होता था वो हमारे टीवी सेट में प्रसारित किया जाता था, लेकिन आज आप विभिन्न प्रकार के चैनलों का उपयोग करते हैं। जैसे कौन सा चैनल हो गया, जी टीवी, इसका करते हैं प्रयोग। कलर्स, इसका भी आप उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जी सिनेमा, दूरदर्शन, है ना, विभिन्न प्रकार के चैनलों का उपयोग करते हैं। ये क्यों संभव हो पाया, इस ऑसिलेटर के कारण। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑसिलेटर होता है ये क्या करता है, विद्युत दोलनें उत्पन्न करता है, एक आवृत्ति, विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों वाले विद्युत दोलनें उत्पन्न करता है, इसी के माध्यम से इस प्रकार की सेवाएं संभव होती हैं। जहाँ पे कार्यक्रम का प्रसारण जहाँ से होता है, ठीक है, जैसे कार्यक्रम का प्रसारण मान लो मुंबई से हो रहा है या दिल्ली से हो रहा है, कोई भी क्षेत्र से जो हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो चैनल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, ये जो अलग अलग चैनल्स होते हैं इनको, इनके जो चैनल्स होते हैं इनको अलग अलग बैंड में बांटा जाता है। ठीक है, और ये जो बैंड होते हैं अलग अलग आवृत्ति वाले बैंड होते हैं। चूँकि विद्युत चुंबकीय दोलन या जो विद्युत दोलन हम देख रहे हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आवृत्ति वाली दोलन उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो चैनल, जैसे आपका कलर चैनल है, इसको मान लीजिए 500 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले बैंड जो है प्रदान किया गया है, और ये क्यों संभव हो पाया, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, विद्युत दोलन जो है अलग अलग आवृत्ति के विद्युत दोलन हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी दोलन को यहाँ पे सेट किया जाता है बैंड के रूप में। और इसी प्रकार आपका जी टीवी है, मान लीजिए इसको 600 हर्ट्ज में जो है इसको बैंड विड्थ दिया गया है, इसी तरीके से जी सिनेमा जो है 700 हर्ट्ज में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो चैनल्स होते हैं यहाँ से 500 हर्ट्ज वाले चैनल्स में कौन सा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, कलर्स चैनल का। ठीक, अब आप यहाँ पे जो आपका टीवी सेट है यहाँ पे आप क्या करते हैं, रिमोट के जरिए या बटन के जरिए, आप बटन जब दबाते हैं तो आपको लगता है कि हम यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, चैनल बदल रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या करते हैं, इस आवृत्ति से इसकी आवृत्ति को मैच कराते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके यहाँ कलर्स चैनल पहले नंबर में आता है, तो जैसे ही आप 1 नंबर दबाते हैं यानी यहाँ जो 500 हर्ट्ज के जो आवृत्ति है वो यहाँ क्या हो जाता है, आपने 500 हर्ट्ज में की आवृत्ति को आपने सेट किया। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना, यहाँ 500 हर्ट्ज की आवृत्ति में कलर्स चैनल प्रसारित है, आपने अपने टीवी सेट में कौन सी आवृत्ति दिया, 500 हर्ट्ज की आवृत्ति दिया जो इससे मैच किया, और ये आपको आपके स्क्रीन में जो है कलर चैनल दिखने लगता है। इसी तरीके से जब आप चैनल बदलते हैं तो वैसे ही आप क्या परिवर्तित कर रहे हैं, आवृत्ति बदल रहे हैं। ठीक है, ये आवृत्ति जब मैच करता है तो आपको जी टीवी दिखाई देता है, और ये आवृत्ति जब आप मैच करते हैं तो उस समय आपको जी सिनेमा दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है संचार में। ठीक है, ये अच्छे से समझ आया, क्लियर हुआ ये बात। तो हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। आज हम टीवी चैनल में एक ही समय पर क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो चैनल्स होते हैं उनके कार्यक्रमों का लाभ उठा पाते हैं। ये हो गया ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग।
ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट के बारे में अध्ययन करेंगे। गेट, ये गेट क्या होते हैं, इस गेट को लॉजिक गेट भी कहते हैं, लॉजिक गेट, ठीक है। तो ऐसे युक्ति जो कुछ सिग्नलों को अपने में से जाने देती है और कुछ सिग्नलों को रोक लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। ऐसी युक्ति जो अपने में से कुछ सिग्नलों को जाने देती है और कुछ सिग्नलों को क्या कर देती है, रोक देती है, ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं, पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, और तीसरा जो होता है वो होता है नॉट गेट। तो इस प्रकार से मूलभूत रूप से तीन गेटें पाई जाती हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। इनके बारे में हम देखते हैं कि और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है और नॉट गेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम और गेट के विषय में जो है अध्ययन करते हैं। और गेट जो होता है, इसका जो सिंबल होता है या जो बनावट होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ये आप इस अर्धवृत्त बनाएंगे, उसके बाद इस तरीके से आकृति देंगे इसको, ठीक है। और गेट, एंड गेट ऐसे गेट हैं जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होता है, दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो हम दो निवेशी सिग्नल ले लेते हैं, सिग्नल ए और सिग्नल बी। ये चूंकि इन गेटों में आप क्या कर सकते हैं, एक से अधिक निवेशी सिग्नल दे सक, दो से अधिक निवेशी सिग्नल दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने दो सिग्नल का प्रयोग किया है, ठीक है। आउटपुट जो मिलता है ये इस प्रकार से इसका आउटपुट होता है ना। ये जब मिलता है, प्राप्त होता है, ये दोनों सिग्नल जब अंदर जाते हैं और गेट में, तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी, क्या हो जाता है, ए प्लस बी। अब इसके जो है सत्यता सारणी देखिए कैसे बनता है। ए बी, ठीक है, इसका आउटपुट जो मिलता है ए प्लस बी, जो सिग्नल आप दे रहे हैं उसके चार स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति, ये दोनों कैसे हो, जीरो। चूंकि हमने टेंथ क्लास में इस चीज का अध्ययन किया है कि दो प्रकार की अंकों की प्रणाली होती है, एक होती है दशमिक प्रणाली और दूसरा होता है बाइनरी प्रणाली, ठीक है। बाइनरी प्रणाली में दो बीट जो होते हैं, है ना, कौन कौन से, जीरो और वन। और दशमिक में जो होता है वो आप देख सकते हैं, जीरो वन टू थ्री करके कहाँ तक, नौ तक, है ना, जी शून्य एक दो ऐसा करके कहाँ तक, नौ तक होते हैं। जबकि बाइनरी जो होता है उसमें दो ही अंक होते हैं, कौन कौन से, जीरो और वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट प्रयोग किया जाता है वो केवल इन्हीं अंकों को समझता है, ठीक है, क्या करता है, इन्हीं अंकों को समझता है, कौन सा अंक को, जीरो और वन, है ना, शून्य और एक। तो इसकी जो है चार स्थितियाँ हो सकती है और गेट में, कितनी स्थितियाँ, चार स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो सिग्नल ए जीरो हो और बी भी कैसा हो, जीरो हो, ये एक पहली स्थिति हो गई, समझ आ गया। दूसरी जो स्थिति होती है वो जो होती है क्या होता है, ये जीरो रहे और ये क्या रहे, वन रहे। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, ये वन रहे और ये जीरो रहे। और चौथी स्थिति हो सकती है कि ये वन और ये वन रहे, ठीक है। जब हम आउटपुट प्राप्त करना चाहें तो जीरो प्लस जीरो, यहाँ पे हमको जीरो मिलता है, जीरो प्लस वन वन, और वन प्लस जीरो भी वन मिलता है, और वन प्लस वन चूंकि एक ही आउटपुट हमको मिलना है इसलिए क्या मिलता है, वन मिलता है, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से ये जो और गेट की सत्यता सारणी होती है, ठीक है, इसके विषय में हम और भी विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज हमने ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग देखा, उसका दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा किया, और इसके बाद हम गेट का जो है प्रयोग देख रहे हैं, इस गेट का उपयोग हम कहाँ करते हैं इसके बारे में हम बाद में और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।